ग्राउर एंड विल, तो ये देखिए 1940 से कंपनी ये कार्य रहता है, दो ब्रिटिश नेशनल मिस्टर ग्राउर एंड मिस्टर विल इन्होंने स्टार्ट किया था, और फिर बाद में मोरे फैमिली है बॉम्बे की जो कांदिवली में उनका मॉल भी है, 1991 में उन्होंने टेक ओवर किया, प्रमोटर चेंज हुआ और गजब की कंपनी है। अब सबसे बढ़िया बात देखिए अनिल जी, जब घर से स्टूडियो जाते हैं तो रास्ते में ये मॉल आता है, तो ग्रोवेल ग्रोडल इनके ऐसी ब्रांड्स हैं, और अब आप देखिए ये कंपनी जो है ट्रेंड सेटर है एक तरीके से मेटल फिनिशिंग इंडस्ट्री में, और अच्छा खासा इलेक्ट्रोप्लेटिंग और स्पेशलिटी केमिकल्स की एक अच्छी खासी कंपनी है, और उन्हें 5 लाख स्क्वायर फीट का जैसा कि मॉल भी ओन करती है, और जो केमिकल एंड पेंट डिवीजन है कंपनी का एक IMS सर्टिफाइड है, जो कि इंडिया की फर्स्ट केमिकल कंपनी इन इंडिया टू हैव रिसीव्ड द कोवेटेड AS9100 एरोस्पेस की एक सर्टिफिकेशन होती है। ये बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन होती है, जिससे ये हो जाता है कि आप नासा में FAA और DOD इन सब में आप अप्रूव हो जाते हो। तो इस तरीके की पेडिग्री और इस तरीके की पुरानी कंपनी, रेटिंग्स भी बहुत स्ट्रांग और फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया, और ये स्टॉक देखिए मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स रहा ही है। 17 के पी मल्टीपल पे, 19 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और पिछले 5 साल में सेल्स की जो कैगर है 12-13% के लगभग रही है, और ओवरऑल रिजल्ट्स भी क्वार्टरली रिजल्ट 5-6 क्वार्टर से अच्छे आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखता हूँ तो FIS DIS थोड़ा थोड़ा बढ़ा ही है, और 75 से 80 रुपए का टारगेट लगाना है, 53 रुपए का स्टॉक लॉस।